विचार को समझाऊंगा। मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाते थे। अब मेरे फादर बिजनेसमैन हैं और उनका बहुत अच्छा बिजनेस था। हम लोग चार सिस्टर्स हैं, आई एम द थर्ड वन। और मेरे मदर फादर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हम चारों सिस्टर्स को काफ़ी बढ़िया एजुकेशन। हमारे जो फादर हैं उनकी फैमिली एक्चुअली 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो ये लोग पाकिस्तान से भाग के एक्चुअली इंडिया आए, और जो भी सक्सेस थी पाकिस्तान में वो सब वहाँ रह गई और कहानियाँ रह गई। बहुत सारी कहानियाँ हमें वो सुनाते हैं, लेकिन जब इंडिया में आए तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ा, छोटे छोटे काम करने पड़े। और जो भी लोग वहाँ से आए उनके अंदर बहुत जज्बा था कामयाबी को वापस। उन्होंने जो रास्ता चुना, जो मेरे फादर ने रास्ता चुना, वो था पढ़ाई का रास्ता। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छे अच्छे नंबर लिए और फाइनली प्रोफेसर बन गए मैथ्स। और जब हम पैदा हुए तो हमने ये स्ट्रगल नहीं, हमने वो सक्सेस ही देखी, स्ट्रगल की कहानियाँ सुनी। हमारे फादर ये चाहते थे कि हम भी पढ़ाई के थ्रू अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लें, अच्छी जॉब लें और जिंदगी को सेट करें। मेरे मदर वो भी बी ए बी टी थे और वो भी हॉस्टल में रह के शिमला में पढ़े, तो बहुत ही एजुकेटेड कपल था और बहुत ही यूनिक। ये दोनों जब इनकी शादी हुई और ये हनीमून पे गए तो पूरे 30 दिन तक श्रीनगर और कश्मीर में हनीमून मना के वापस। उनकी जब फोटोग्राफ्स हम देखते हैं तो कई बार तो हमें लगता है कि यार कमाल है, उस टाइम पे इस तरह की फोटोग्राफ्स होते थे। बहुत ही अमेजिंग कपल था वो। और जब मैं पैदा हुआ तब से मेरे डैडी तकरीबन हर रोज़ एक डायरी लिखते, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया। और मेरी बहुत अच्छी बचपन की फोटोग्राफ्स हैं जो वो एल्बम में पेस्ट करते थे और नीचे डेट लिखी होती, तो वो एल्बम आज भी मैं देखता हूँ तो बहुत ही लगता है यार कितना उन लोगों ने हमें अच्छी डेवलपमेंट हमारे को दी और कितना चेरिश्ड और बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्डहुड था। हम लोग हुशियारपुर की छोटी छोटी गलियों में रहते थे। बिंदु का घर और मेरा घर सिर्फ वॉकिंग 5 मिनट की दूरी, पैदल 5 मिनट हम लोग एक दूसरे के पहुँचे, लेकिन कभी मिले नहीं थे से। यस, मिले कभी नहीं थे। और गलियाँ इतनी छोटी हैं कि कुछ गलियाँ तो ऐसी हैं कि उनके ऊपर जो पैरापेट होते हैं छज्जे, वो इतने क्लोज आ गए हैं कि इंसान ऊपर से वहाँ से वहाँ भी जा सकता है। हम लोग वहाँ पे बहुत गेम्स खेलते थे, बंटे खेलना, पिट्ठू गर्म खेलना, स्टाफू खेलना, टायर भगाना गलियों में। बहुत हमारी गलियों में पानी भुगता जाता है, बारिश होती है, पानी में किश्तियाँ, कागज की किश्तियाँ बना के चलाना, तो बहुत ही मज़ा आता था उन गलियों में। और माहौल भी कुछ अलग रहता है, सब लोग एक दूसरे, बहुत डिफरेंट लाइफ है। इस तरह का अंदर कुछ टीवी और ये कंप्यूटर्स कुछ नहीं होते थे, सारा टाइम बाहर ही बिताते थे और बहुत एंजॉय करते थे। जब तक रात नहीं हो जाती थी घर के अंदर नहीं घुसते। बिल्कुल, और एक दूसरे के घर में जाना बिना बेल किए, बिना दरवाजा खटखटाए, दरवाजा क्या खटखटाना, दरवाजे हमेशा खुले ही होते थे। बहुत ही अलग डिफरेंट माहौल होता था, सब कुछ बदल गया। हमारे घर में जो मेन डोर है उसके बाहर की तरफ कुंडी नहीं थी, मतलब कभी लॉक ही नहीं लगा उस घर को, इतने लोग रहते थे और हमेशा खुला रहता था। आपके घर में कितने लोग थे? ऐसे टाइम 40 तक लोग रहे हैं। जॉइंट फैमिली थी हमारी बहुत बड़ी, मेरे फादर 8 ब्रदर थे और सबकी फैमिली और बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत इंजॉय। 20 के करीब तो हमारे घर में भी थे, लेकिन बिंदु की फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली थी और उसमें करीब 40 लोग हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर को हॉस्टल वार्डन का चार्ज मिला, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाते थे। जब हॉस्टल वार्डन का चार्ज मिला तो कंपल्सरीली हमें मूव करना पड़ा कॉलेज कैंपस में। कॉलेज कैंपस में माहौल कुछ अलग, सारे प्रोफेसरों के घर थे, सब बच्चे बहुत पढ़ते थे, पढ़ाई का माहौल था। वैसे भी हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और वो हमारे से टाइम टेबल बनवा लेते थे, मेरे को बोलते थे सर टाइम टेबल बनवा। तो जब मेरे को बोलते टाइम टेबल बनाने का, मैं कैसा बनाऊंगा, मैं तो उसमें खुद ही लिखता था इतना पढ़ाई करूंगा, इतनी देर गेम खेलूंगा। तो मैंने जब बना दिया टाइम टेबल तो उन्होंने क्या करना है, मेरा एक डेस्क था स्टडी डेस्क, उसके सामने लगा रहे। और फिर जब हम खेलने जाते थे तो वहाँ पर आवाज़ आई थी कि तुम्हारा टाइम अप हो गया, आ जाओ। कमाल की बात यह है कि मेरे फादर ने मुझे वो भी पढ़ाया जो उन्होंने खुद कभी नहीं पढ़ा, जैसे उन्होंने कभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी लेकिन हमारे को पढ़ाई। वो कैसे, साथ साथ में पढ़ते थे, साथ साथ में पढ़ाते, रिजल्ट क्या, रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त, पूरा अच्छे नंबर आए मैट्रिक में, नेशनल स्कॉलरशिप था। उसके बाद मैंने अपर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ से बीटेक करी सिविल में।
और उसमें ऑनर्स में डिग्री की। और जब मैं फाइनल ईयर में था, अभी पूरा फाइनल ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो कैंपस सिलेक्शन हुई और मेरी सिलेक्शन हुई एक मल्टीनेशनल कंपनी में। और पहली जॉब मैंने स्टार्ट की क्रिप्टो फर्टिलाइजर के अंदर। हमारी कंपनी के पास फाइनल था, उसके पास एक प्रोजेक्ट यूरिया प्लांट, अमोनिया प्लांट के इक्विपमेंट इलेक्शन होते थे, कैप्टिव पावर प्लांट बनना था, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत इंजीनियर वहाँ पे काम करते थे। सुबह हम लोग निकल जाते थे अपने जहाँ पे हम रहते थे, कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी थी अकोमोडेशन, और वहीं पे खाना वाना भी सब कंपनी की तरफ से मिलता था। सुबह हम लोग गाड़ियों में बैठ के निकल जाते थे और साइकिल पहुँच जाते थे। मेरे पास वहाँ पे क्रेन थी, बुलडोजर थे, बहुत बड़े बड़े ट्रक थे और जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत। इस कंपनी में काम करते हुए मैंने फर्दर पढ़ाई भी करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी इंडस्ट्रियल रिलेशन और पर्सनल मैनेजमेंट में। लेकिन यहाँ पे मैं टोटल 2 साल काम किया और उसके बाद मैंने स्विच किया और मैंने ज्वाइन किया नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, पोस्टिंग हुई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। HAL के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जहाज बनते हैं, तो वहाँ पे असेंबली हैंगर, टूल रूम, पेंट शॉप, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। और वहाँ पर जब मैं पोस्टिंग था तब मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बी एड करी है, और मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मैंने मैथ्स टीचर बनी, और मैंने बी ए विद मैथ्स किया और बिफोर मैरिज मैंने एज ए मैथ्स टीचर जॉब करी। और जैसे मैंने बताया, मेरे फादर का अच्छा बिजनेस था लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता था, वो कभी भी हमारे साथ कहीं भी घूमने नहीं गए, कभी छुट्टियाँ मनाने नहीं गए, हम अपनी मदर के साथ ही जाते थे अकेले। तो मेरी मदर ने एक डिसीजन लिया कि मैंने अपनी बेटियों की शादी बिजनेस मैनेजर के साथ ली, तो जॉब वाले के साथ करनी है। तो अनिल के साथ बात चली हमारी और इनकी बहुत बढ़िया जॉब थी उस वक्त, फर्स्ट क्लास। और हमारी अरेंज मैरिज है, प्योरली अरेंज मैरिज है, पेपर के थ्रू, मैट्रिमोनियल के थ्रू हम लोगों की मैरिज हुई है। और एक ही बार हमने मिले थे और 10 मिनट में यस करके और रोका हो गया, पहले ऐसे ही होता था, आजकल बच्चों को पूछो तो वो कहते हैं ऐसे कर कैसे लिया हमने उनको कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए, हमें ये चाहिए, उस वक्त ऐसे ही हुआ करता था, 10 मिनट में रोका हो गया। और 6 मंथ्स बाद हमारी मैरिज हुई और इन बिटवीन कभी मुलाकात नहीं हुई और सीधा शादी वाले दिन ही मिले हमने, लेकिन थोड़ी बहुत ही लेटर्स कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती थी, बहुत मामूली। और शादी के बाद हमारी शादी होशियारपुर में, और शादी के बाद हम लोग सीधा एक दिन छोड़ के हम लोग हनीमून के लिए, मैंने पूरा प्लान कर रखा था, श्रीनगर, पहले जम्मू गए, जम्मू से फ्लाइट लेके हम लोग श्रीनगर गए कश्मीर, और बहुत अच्छा टाइम था। वो वापस आए और सिर्फ घर में 1 दिन रहे और 1-2 दिन और सीधा हम लोग पहुँच गए कानपुर, एक ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में कुछ सामान भी रखा और कानपुर पहुँच गए, और हमारी फैमिली लाइफ शुरू हुई, मैरिड लाइफ। और बहुत ही ग्लोरियस पीरियड था वो, मेरे पास बजाज सुपर स्कूटर हुआ करता था और कंपनी की कार कभी कभी मिल जाती थी, लेकिन ज़्यादातर हम स्कूटर में घूमते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पीरियड रहा वो वाला टाइम। अनिल काफ़ी बिजी थे वहाँ, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के शाम को आ जाते और हम घूमने चले जाते थे। वो भी लाइफ का हमारा बहुत ज़बरदस्त पीरियड था। अनिल की नेचर बहुत बढ़िया थी, लगिंग और मुझे लगता था चलो ये काम तो सेट हो गया बंदा ठीक क्योंकि क्योंकि तब लॉटरी होती है, पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो, तभी फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ही पता लगता है कि कैसे हैं एक दूसरे के बारे में। बिल्कुल, वो बड़ा ग्लोरियस पीरियड था हमारा, हमने बहुत मौज करी। हालांकि मेरी जॉब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, कई बार तो कंप्लीटिंग होती थी 2-3 दिन लगातार होती थी, और लेकिन जब भी टाइम मिलता था मैं घर में आता था और हम लोग एकदम निकल जाते थे घूमने के लिए। वहाँ पर काम करते करते पंजाब गवर्नमेंट ने PSEB में पोस्टिंग की, और बड़ा मेरे फादर ने कहा भाई देख तेरी कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगी, पता नहीं अभी तो कानपुर में है, इसके बाद पता नहीं तो कहाँ चला जाएगा, ऑल इंडिया काम चलते हैं NBCC के, तो तू PSEB में अप्लाई कर। मैंने सोचा कि पंजाब गवर्नमेंट में जॉब मिलनी इतनी आसान नहीं है, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया और उस बार PSEB ने रिटर्न टेस्ट किया, और रिटर्न टेस्ट हुआ और मैंने उसको क्लियर किया, और उसके बाद इंटरव्यू आई। तो मैंने सोचा यार इंटरव्यू क्या देनी है, क्योंकि NBCC में जॉब अच्छी थी और लगता था कि वहीं रहना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा इंटरव्यू देने में क्या हर्ज है, तो इंटरव्यू देने आ गए, सिलेक्शन हो गई। तब तक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, PSEB पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्वाइन कर गए, और यहाँ के पता लगा यहाँ पर प्रमोशन भी नहीं होती हैं, यहाँ पर कुछ टेक्नीशियन बहुत है, वहाँ पर लोग हमारे प्रमोट हो जाएंगे और हमको पीछे रह जाएंगे, ऐसा लगने लगा। और पता लगा कि एक तरीका है, या पोजिशन पर अगर हम चले जाएँ किसी नई डिपार्टमेंट में तो वहाँ पर स्टेप अप प्रमोशन ही सही, लेकिन प्रमोशन तो हो सकता है।
तो पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में मैंने अप्लाई किया और मैंने ज्वाइन किया पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में एज एस पी ओ। बठिंडा में पोस्टिंग हुई और जब मैं बठिंडा में पोस्टेड था तो बिंदु भी देख रही थी कुछ करना है क्योंकि इसके पास क्वालिफिकेशन थी और इसलिए वहाँ पर स्टार्ट हुई जॉब। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल एक बहुत ही बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल है बठिंडा में, वहाँ पर इन्होंने एज ए मैथ्स टीचर ज्वाइन किया। लेकिन घर में थोड़ा सा टेंशन तो होती थी क्योंकि सुबह निकल जाना, शाम को आना, बच्चे छोटे छोटे, बेटी को क्रेच में छोड़ते थे, 2 ईयर्स की बेटी थी और 5 ईयर्स का बेटा था, बेटे को स्कूल। जॉब में तो एंजॉय करता था लेकिन घर में आके थोड़ा थोड़ा हौच पौच सा होता था और थोड़ा सा घर का पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन इसी दौरान हम लोगों की अनिल की ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर हो गई वहाँ से जलंधर और इनको जॉब छोड़नी पड़ी। अब जलंधर से मेरी ट्रांसफर हुई मोहाली। अब मोहाली में आए तो वहाँ पर मेरे को प्रमोशन मिली और एज एक्सीएम पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन मोहाली में मैंने जॉब करना शुरू किया और यहाँ पर बड़ा अच्छा स्टेटस था, वाइस एम्बेसडर मिल गई। बड़ा जबरदस्त लगता था जब एम्बेसडर आती थी घर में और ट्रैवल होता था तो ऐसे लगता था यार कुछ हाँ अच्छा स्टेटस हो गया है, कुछ अच्छा लगने लगा। तो हमने सोचा यार अपना फ्लैट घर के लिए आ जाए, तो ने घर देखे और जो डाउन पेमेंट करनी थी उसके लिए हमारे पास पैसे थे नहीं, हमने फादर से उधार लिए, कुछ ब्रदर-इन-लॉ से उधार लिए और बाकी की वहाँ की EMI स्टार्ट हो गई। लेकिन घर खरीद दिया तो वो भी एक बड़ा सेटिस्फाइंग काम था, हालांकि वो 2 BHK छोटा सा होम था, छोटा सा फ्लैट था, पर ये फीलिंग थी कि अपना घर ले लिया। बड़ी जॉब, बड़ी सेटिस्फेक्शन बहुत थी कि यार कुछ किया, घर तो अपना हुआ। और ये हमारे लाइफ का वो पीरियड था जब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड होता ना, सो बहुत अच्छा सब कुछ, घर भी ले लिया, बच्चे अच्छे स्कूल में जाते थे, किट्टी में जाना होता था, गाड़ी आ जाती थी, ऐसा लगता था लाइफ इज क्लियर, लाइफ इज सेट, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमने एक मल्टी कार की थी, हमारी ड्रीम कार हुआ करती थी, रेड कलर की डीलक्स एयर कंडीशन, और ऐसे लगने लगा पता नहीं यार कितना बड़ा ड्रीम हमने पूरा किया। क्योंकि उससे पहले हमने सारी सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीदी, पहले हमारे फीएट होती थी सेकंड हैंड, फिर सेकंड हैंड मारुति खरीदी, फिर एक बार वैन खरीदी, तो सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीदी 3-4, लेकिन पहली बार हमने ब्रांड न्यू, तो ऐसा लग रहा था सब कुछ सेकंड हैंड। लेकिन एक काम हुआ, इससे क्या हुआ कि लोन था कार पे भी और लोन था घर पे भी, EMI जाने लगी, घर की भी EMI जाने लगी कार की। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने थे, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे और फीस आपको बताया अच्छे स्कूलों की काफ़ी बढ़िया रहती है, तो खर्चे बढ़ गए थे। और क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती, तो हम सोच रहे थे यार ये सब कुछ हमने बढ़िया, पहले तो पढ़ाई ज़बरदस्त करी, अच्छे मार्क्स लिए, अच्छी जॉब्स की, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्लानिंग भी बढ़िया चल रही है, लेकिन हम लोग फिर भी ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ है ये तो बिताए, तो ऐसा लगता है यार कुछ और हो जाए तो अच्छी बात। तो बिंदु सोच रही थी कि ये कुछ करे साइड में, तो 2 इनकम अगर हो जाए घर में तो बहुत अच्छा। मैं जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मुझे लगता था कि कुछ करना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और सेटिस्फेक्शन भी हो ना, इंसान को सेटिस्फाइड भी कि मैं कुछ कर रही हूँ साथ में। जॉब मैंने पहले करी थी तो ज़्यादा इतना कम्फर्टेबल नहीं रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और सेटिस्फेक्शन हो वो कुछ किया जाए। और ऐसे समय में मेरे ब्रदर-इन-लॉ जो कि करनाल में रहते हैं और जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं, वो कहीं बाहर सेल कर रहे थे, उनको पता चला कि इंडिया में एक नया बिजनेस लॉन्च होने वाला है और कोई अमेरिका से इस बिजनेस को दिखाने इंडिया आ रहा है और वो चंडीगढ़ में कोई मीटिंग में, तो उनके पास एड्रेस था, वो एड्रेस लेके एक स्लिप पर उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ था, वो हमारे घर क्योंकि हम रहते थे मोहाली में, वो करनाल से आए हमारे घर स्पेशली और मेरे को बोला कि मैं बिल्कुल स्पेशली आया हूँ, मेरे को यहाँ जाना है इस एड्रेस पे सेक्टर 16 में और वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बिजनेस डिस्कस होने वाला है और कोई बिजनेस मैन अमेरिका से आने वाला है, तू मेरे साथ। तो मैंने उनको कहा यार मैं तो सेटल, मेरी जॉब ठीक चल रही है, मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने मेरे को थोड़ा सा जब प्रेस किया तो फिर मैंने कहा यार ब्रदर-इन-लॉ हैं और स्पेशली आए हुए हैं और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनके साथ जाऊँ, कम से कम मैं कंपनी करूँ। तो एक सिग्निफिकेंट लुकिंग डिसीजन मैंने लिया और मैं उनके साथ चला और वो दिन सारा मेरे को अभी तक याद है। हम लोग वहाँ पहुँचे सेक्टर 16 चंडीगढ़ में, उस घर में बहुत बड़ा घर था, बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, हमने बेल मारी, हम लोग से कोई नहीं थी। मैंने अपने ब्रदर-इन-लॉ को कहा
चलो चलें, यहाँ तो कोई नहीं। कहने नहीं यार, मैं स्पेशली आया हूँ करनाल से और मेरे को तो यहाँ मिल के ही जाना है। हम अंदर चले गए, ड्राइववे था बहुत लंबा सा, बहुत बड़ा सा दफ्तर। उस ड्राइववे से हम अंदर गए, अंदर बैल मारी और एक जाली का डबल डोर सा लगा हुआ था और वो खुला और अंदर से लेडी वो आया थी उनके घर की, छोटी सी हाइट थी उसकी, उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसने ना हमारा नाम पूछा ना हमें कुछ पूछा, हम कौन है, और सीधा बुला हम लगा। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, सीधा अंदर बुला रहे हैं। और सीधा अंदर बुला के हम एक थोड़ा सा रास्ता था और उसके बाद हम राइट मुड़े, एक दरवाज़ा था उसने खोल दिया और कहती अंदर बैठो। अंदर जैसे ही हमने देखा अंदर बहुत सारे लोग बैठे, 15-16 लोग और एक वाइट बोर्ड लगा हुआ। मैंने जिंदगी में किसी रूम के अंदर वाइट बोर्ड लगा उससे पहले कभी नहीं, और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, भी उल्टी सीधी लकीरें लगी हुई थी और सब लोग बात कर रहे थे और एक इंसान आया जिनका वो घर था और उसने हमें कहा कि यहाँ बैठो। उसने सीट दी और हम दोनों बैठ गए। तो बैठ गए तो मैं जरूर देखने लगे कि यहाँ सब क्या चल रहा है और वहाँ पर सब लोग बातें कर रहे थे और एक मेरे साथ वाला इंसान कह रहा था कि ये जो अमेरिकन है ना, इसने अभी अभी हमें बताया है कि ये जो बिजनेस हमें प्रपोज कर रहा है उस बिजनेस से लोगों ने जैकलिन कैसे जैकलिन की बात कर। फिर इधर एक इंसान और था, उसने बोला कि ये जो अमेरिकन आया हुआ है ना, इसने जो हमें बिजनेस दिखाया है ये कह रहा है कि उससे लोगों ने आइलन छू। एक और बंदा बोल रहा था, मैंने सुना, वो कहता है ये कह रहा है कि इससे लोगों ने जॉब छोड़ी। मैंने कहा यार ये किस तरह के लोग हैं, आइलैंड की बात करते हैं, जेट प्लेन की बात करते हैं, जॉब छोड़ने की बात करते हैं, जॉब तो मिली है, जॉब से सारे सपने पूरे करने हमने, और दूसरी बात है कि जेट प्लेन कौन खरीदता है, हुशियारपुर में गाड़ी नहीं लोग खरीदते, जेट प्लेन फिर लेके रखे कहाँ, चलाएगा कौन, जाएंगे कहाँ। अरे मैंने कहा ये बंदे फ्रॉड हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है और आज बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। आइलैंड हम लोग दो बेडरूम का फ्लैट खरीदा, लोन चढ़ गया, ईएमआई जा रही है, फादर्स के पैसे देने वाले हो गए, जैसे ही पैसे इकट्ठे होते थे थोड़े से हम लोग वापस करते थे, थोड़े थोड़े करके कभी 20,000-25,000 वापस करते थे और हमारे बैंक बैलेंस हमेशा खाली रहते थे, बस ईएमआई जाती रहती थी। और यहाँ बात हो रही थी आइलैंड, तो मेरे को लगा यार बंदा है बड़ा फ्रॉड और ये ना कुछ होगा, और लेकिन मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं कर सकता, अपने पास पैसे ही नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं वो तो सेफ है हमेशा। लेकिन यू नो वो दिन बड़ा अमेजिंग था मेरे फ्रेंड का, तो मैंने बोला कि आप बात करो, देखो क्या कह रहा है, आपने जो करना करो हम चले। मेरे को था यार बोर करेंगे यहाँ पे, क्या करना हमने। मेरे फ्रेंड ला वहाँ गए और वाइट बोर्ड के पास चले गए और उस अमेरिकन को वहाँ जाए और उससे हाथ मिलाया और 4-5 मिनट उससे बात की। मैं बैठा सोचता है यार ये क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये क्या सब चल रहा है, और मेरे को भी कहा यहाँ फ्रॉड होने वाला है। मेरे फ्रेंड ला वापस आए तो मेरे को कहने लगे चल चलो। मैंने कहा क्या हुआ, कहते नहीं बस मैंने देख लिया ये बिजनेस मेरे को नहीं लगता इंडिया में चलेगा और मेरे को चचा नहीं है हम चल सकते। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट, मैंने ऐसे सोचा कितना बड़ा फ्रॉड होगा। तो उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल निगलिजिबल है और रिस्क बिल्कुल नहीं है, वो भी पैसे कमाने का। जिंदगी में पहली बार एक ऐसा काम देखा है जो हम भी स्टार्ट कर सकते, अपने पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा जी मैं भी इससे बात करूँ। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने भी जाकर मेरे को कहने लगे तू क्या बात कर, तू क्या बात कर। मैंने कहा नहीं नहीं मैं भी बात करूँगा, मैं भी ज़रा देख के आता हूँ। तो मैं गया, मैं वो जो अमेरिकन थे उनको, उनका नाम डॉक्टर विलियम हैरिस है और वो एमवे बिजनेस में प्लेटिनम थे और अमेरिका से इंडिया इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आए। मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि ये बिजनेस अमेरिका में कितना के लोग, और उन्होंने मुझे एक प्रोफाइल ऑफ सक्सेस दिखाई, एक किताब जिसमें सक्सेसफुल अचीवर्स की फोटोग्राफ थी और उनमें हर तरह के डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टूडेंट, हाउसवाइफ और उनके साथ उनके घरों की फोटोग्राफ, उसके साथ उनकी कारों की फोटोग्राफ। मेरे को बिजनेस तो कुछ समझ में नहीं आया लेकिन मेरे को ये लगा कि अगर ये इंसान अमेरिका से इंडिया आके इस बिजनेस के बारे में बात कर रहा है तो वो बहुत सुंदर, उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि कोई गलत बात है, ऐसे लग रहा था जो बोल रहे हैं ठीक है हो सकता है। मेरे को एक थोड़ी सी होप, बहुत सारे डाउट के मैं कर पाऊंगा लेकिन हल्की सी होप हुई। लेकिन मैंने सोचा भाई रिस्क तो है नहीं, क्यों ना स्टार्ट। और मैं वहीं से उनको मैंने बोला कि मैं इस बिजनेस स्टार्ट करूँ और मैंने
उस बिजनेस का फॉर्मर है और उनको मेरी जेब में सिर्फ 1500 रुपए थे, वो मैं उनको दे दूँ। मेरे ब्रदरला कहने लगे, यार तू कर ले, अगर तेरा चल गया तो मैं भी देखूँ। बीच बीच में मेरे को कहने लगे, देखिए यार तू कस्त नहीं गया कहीं। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था, लेकिन मैं घर आया। हमारा घर वहाँ से करीब 20 मिनट थे। हम वापस आए और फिर मैंने बिल्लू को बोला कि भाई तैयार हो जाओ, चलते हैं, मैं तुम्हें मिलवा के आता हूँ किसी से जो आज हमने बिजनेस का। That was God's plan. मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान हमारी लाइफ को और अच्छे से ब्लेस करना चाहते हैं। लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही थी, जैसे मैंने बताया सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग वाज गुड, लाइफ कूल थी, लेकिन भगवान हमारी लाइफ को और ब्लेस करना चाहते हैं, तो इस माध्यम से तभी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी मिलती है। हालांकि कुछ समझ नहीं लगा अनिल को उस दिन, जो भी समझ लगा सब गलत है। बाद में हम देखते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया, जो इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल गलत आई और हमने राइट डिसीजन ले लिया। और कई बार लोग क्या कहते हैं, सब कुछ राइट पता होता है, डिसीजन गलत नहीं। बहुत ही कमाल का दिन था वो, हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और जैसे बिंदु बता रही है, वी कुड टेक ए राइट डिसीजन विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद जो डॉक्टर विलियम हैरिस वो वापस अमेरिका चले गए, तो बाद में हमारी उनसे कभी नहीं आई, क्योंकि वो उनका इंडिया में फर्स्ट ट्रिप था, उससे पहले वो इंडिया कभी नहीं आए और उसके बाद वो इंडिया कभी नहीं आए, उनका आखिरी ट्रिप। लेकिन उनके थ्रू हमारी मुलाकात हुई उनके अपलाइन, उनके अपलाइन जो अभी इंग्लिश है शिकागो में रहते, उनका नाम है कार्ल एंड मार्शा रेडन। उनसे हमारी मुलाकात, कार्ल रेडन इंडिया में आए और पहली बार दिल्ली से आके वापस आए। मैं उनको मिलने नहीं गया क्योंकि मैं इतनी नीड नहीं समझ रहा था कि उनको मिलना मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरी बार जब वो इंडिया आए तो वो चंडीगढ़ और वहाँ पर 35 सेक्टर में एक होटल है, होटल इमानी, उसकी बेसमेंट में वो मिली थी। मेरे को फ़ोन आया कि आप जाओ और कार से मिलो। तो मैंने सोचा यार चंडीगढ़ में है तो जरूर मिल रहा है। मैं वहाँ गया और कार रेडन को मिला और वो मेरी कार से पहले मिला। उसके बाद कार से हमारी बहुत बड़ी दोस्ती हुई, बहुत बड़ी मित्रता हुई, आज हम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं। लेकिन वो पहली मुलाकात, मैं जब गया तो मीटिंग ऑलरेडी मिडवे थी, आधी मीटिंग हो चुकी, लेकिन जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने कार्ल को बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर विलियम हैरिस आए थे और मैंने ज्वाइन किया है आपकी टीम। तो कहने लगे रुको मैं तुमसे बात करूँगा, और मेरे को उन्होंने एक कॉफ़ी शॉप की उसी होटल में जहाँ मीटिंग हो रही थी, तो मेरे को उन्होंने वहाँ रुकने को कहा और वहाँ वो मेरे को 10 मिनट, और वो 10 मिनट मुझे ऐसे याद है जैसे कल की, कमाल के 10 मिनट। मेरे को पूछने लगे तुम क्या, मैंने बताया मैं इंजीनियर हूँ, सक्सेसफुल हूँ, मैं एक्सियन हूँ, मेरे पास सरकारी गाड़ी है, मेरे पास अपनी मारुति कार है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, पूछने लगे छुट्टियाँ मनाने जाते हो, मैंने कहा हाँ रेगुलर जाते हैं, हम जाया करते थे छुट्टियाँ मनाने, कभी शिमला कभी नैनीताल कभी मनाली, ये सब बढ़िया चल रहा। मैंने उनको सब कुछ बताया, तो मेरे को पूछने लगे तुम्हारे क्या ड्रीम, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ का एंड गोल क्या, तुम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते। मेरे को ये सवाल उस दिन से पहले किसी ने नहीं किया, मेरे को सोचना पड़ा और मैंने ध्यान से सोच के उनको बोला कि अगर समय और पैसे की चिंता खत्म हो जाए तो मैं ये जॉब नहीं करना, क्योंकि उस जॉब में बहुत पॉलिटिक्स हुआ करती थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, हम हालांकि मैनेज करते थे सब कुछ, लेकिन सफोकेशन बहुत है, स्टैग्नेशन बहुत है, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन नहीं होती, जितना मर्जी काम कर लो, मैं कुछ बढ़िया करना चाहता था। आई वॉन्ट टू परस्यू एक्सलेंस इन माई लाइफ, मैं चाहता था कुछ बढ़िया किया जाए, लेकिन वो जॉब ऐसी थी उसमें जो भी करोगे आप तकरीबन वहीं रहोगे, आप स्टैग्नेंट रहोगे। मेरे को कहने लगे मेरे तो बहुत ध्यान से उन्होंने बहुत आराम से देखा और उनको कहा उन्होंने ये आंखों में आपने डाल दिया, अनिल तुम बहुत ज़बरदस्त इंसान, तुम बहुत खूबसूरत, तुमने बहुत सब कुछ मेरे को इस तरह बता दिया जबकि हम पहली बार मिले हैं, जैसे हम बहुत पुराने काम, ये तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिटी है और इस बिज़नेस को तुम कर सकते, और अगर इस बिज़नेस को तुम कर गए, एक बार और तुमने सक्सेस हासिल की अगर इस बिजनेस में सारी लाइफ की, और मैं कुछ नहीं बोला, वहाँ से बाहर निकला, गाड़ी उठाई, घर जाने लगा, करीब 12 मिनट का,
सारे रिश्ते सोचता है, मिल के बहुत अमेजिंग था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक, चेहरे में बहुत जबरदस्त मूड, बहुत अमेजिंग कमाल की पर्सनैलिटी। मैंने सोचा यार मैं मिल के किसी, और आज से पहले मेरे को इस तरह से मेरे से बात किसी ने, मेरे को किसी ने इंस्पायर नहीं, मेरे को आज से पहले किसी ने नहीं बताया कि मैं क्या कर सकता, किसी ने मेरी क्वालिटीज के बारे में नहीं बताया, तो किसी ने ये नहीं बोला कि मैं जिंदगी में क्या पा सकता, मैं क्या चाहता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा। और मैंने रस्ते में सोचा ये बिजनेस अद्भुत है, इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। और अगर इस बिजनेस में इंडिया में अगर ये चला और इस बिजनेस में अगर लोग डायमंड गए तो मैं पक्का, उस दिन हमें एक सीट बन जाता है। लेकिन पता नहीं था करना क्या और होगा क्या, इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड भी नहीं था, इतनी होप भी नहीं थी कि मेरे से होगा। लेकिन बस कुछ एक बदलाव होगा, तो उस दिन मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीखी, 10 मिनट की एक मुलाकात। जो ज़बरदस्त लीडर्स हैं वो किसी एक इंसान को इतना इंस्पायर कर सकते, इतनी बड़ी होप उनके अंदर ट्रिगर कर सकते। और मैंने आके इस बिजनेस को स्टडी करना शुरू किया, ध्यान से समझने की कोशिश की, इस बिजनेस के लॉजिक को समझा, समझा कि इस बिजनेस में तो प्रोडक्ट सेल और टीम बनाने की पावर है, और आपकी पूरी टीम का बिजनेस आपका बिजनेस है। ये बातें जब मेरे समझ में आई तो मेरे को लॉजिक तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड लड़का ही नहीं, मुझे समझ आ गया कि यार ये कैलकुलेशन होंगी। और दूसरी बात ये समझ में आई कि एक कंपनी जो इतने सालों से इतने कंट्रीज में सक्सेसफुल है उसके अंदर कुछ तो बात। एक्चुअली ड्रीम वर्ड हमें फर्स्ट टाइम सुना था हमने काम करने कि क्या ड्रीम होता क्या है, जो प्रेजेंट में आपको चीज नामुमकिन सी लगती है उसके बारे में सोचिए जो आप लाइफ में चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रीम। ये हमें कार से फर्स्ट टाइम बताया कि ड्रीम है क्या, और उन्होंने ही हमें विजन दिया इस बिजनेस में आप सब पा सकते हैं, उससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली आज हम जो भी हैं बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ दैट पर्सन, और उन्होंने हमें जो बिलीफ दिखाया, यस अनिल यू कैन डू दिस, बिंदु यू कैन डू दिस, बहुत सिंपल है, आप इतने मेहनती हो, आपने इतना लाइफ में इतना कुछ किया, ये बिजनेस का कुछ भी नहीं रियली। उन्होंने हमारे पोटेंशियल को पहचाना और हमें विश्वास दिलाया कि हम कर सकते हैं, उसी से ये सब पॉसिबल है। काल के साथ हमारी बहुत अपनी मित्रता हो गई। बात अगर आप पूछो मेरे को एमवे की पूरी दुनिया में अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन किस तरह के होने चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमारे और कार के रिलेशन ऐसे होने चाहिए, बहुत कमाल के रिलेशन है। हम लोग एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि बीच में से हवा भी नहीं निकल सकती, हर चीज़ हम डिस्कस करने लगे, हर चीज़ की बात करने लगे। हालांकि वो अमेरिका में रहते थे, हम इंडिया में रहते थे, उन्होंने हमारे कोई प्लान नहीं दिखाए, उन्होंने हमारे कोई फॉलोअप्स नहीं किए, लेकिन उन्होंने अपना माइंडसेट हमारे अंदर पहुँचा, उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त होप दी, उन्होंने एक डायरेक्शन दिखाई कि इस बिजनेस को किस तरह किया जा सकता है। N2 letter Golden तो मैंने सोचा यार कि कमाल मेरी वजह से, और हमने 100% ओनरशिप ले, फिर हमने सुना कि ही शोज द मोस्ट प्लान, जो ज़्यादा प्लान दिखाएगा जीत जाए। मैंने कहा यार फिर चल लेंगे प्लान दिखाने, और मैं जॉब में था, बड़ी जॉब डिमांडिंग थी, सुबह से शाम तक जॉब में बिजी होते थे, सैटरडे संडे वर्किंग होता था, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता चाहे वो शाम के 6 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे, मैं घर आते ही मेरे पास इतनी एनर्जी आ जाती है और मैं निकल पाता हूँ, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर, बहुत कमाल के लोग हमारे बिजनेस में, हमारे से ज़्यादा स्मार्ट, हमारे से ज़्यादा ड्रीमर लोग, हमारे से ज़्यादा एनर्जेटिक लोग हमारे टीम में। इस बिजनेस को हमने समझ, बिजनेस लेवरेज का, इसमें स्किल की लेवरेज, इसमें एफर्ट की लेवरेज, इसमें एरिया की लेवरेज, आप इंस्पायर करते लोगों को, इसमें लीडरशिप चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, सब कुछ सिखा। और इस बिजनेस ने हमारे लिए कमाल किया, चैम्पियन जोन, चैम्पियन जोन में जब कोई इंसान घुस जाता है उसको डर नहीं, उसको किसी की बात नहीं सुन, उसको सिर्फ अपने दिल की सुन, वो सिर्फ ये जानता है कि मैं कर जाऊंगा। जुनून था हमारे साथ, ऐसे लगता था हमारे डायमंड जाने का कोई रोक नहीं, और मेरे को ये लगता था 1-2 साल में,
हमने अपना पहला ड्रीम पूरा किया, पहला नहीं एक्चुअली दूसरा ड्रीम पूरा किया, क्योंकि फर्स्ट ड्रीम था मेरा जॉब। एक्चुअली कार रेडर ने हमें इंस्पायर करा और बोला कि ड्रीम बुक करा, हमने हम फर्स्ट ड्रीम बुक की। उसके बाद और बहुत सारी ड्रीम बुक सुनाई, लेकिन वो जो हमारी फर्स्ट ड्रीम बुक थी वो बहुत ही अमेजिंग। उसके अंदर फोटोग्राफ लगी थी, बहुत सारे पेन यूज करके मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम बुक बनाई थी, काट काट के फोटो लगाई थी, सबसे ब्लैक शीट्स के ऊपर बहुत अमेजिंग, और कई कलर यूज करके, फ्लोरेसेंट कलर यूज करके ड्रीम बुक बनाई। और अब पहले पेज पे जो मैंने ड्रीम लगाया था, बहुत बड़ा हॉर्स लगाया, एकदम खड़ा हुआ हॉर्स फ्रीडम, और नीचे लिखा था आई वॉन्ट टू लीव माई जॉब। फिर दूसरे पेज पे कलरफुल होने चाहिए, कलर क्लियर होने चाहिए, माइंड उसकी छवि तभी बनेगी, उसका इमेज तभी बनेगा, तभी आप यूनिवर्स को मैसेज दे पाओगे और तभी आप अपने दिल को क्लैरिटी होनी चाहिए क्या चाहते हैं, किस तरह से डिटेल में, और आपके माइंड में पिक्चर क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जो भी आप चाहते हैं। बिल्कुल। और जॉब छोड़ने का टीम तो पूरा हुआ सिर्फ 12 महीने। उसके बाद मैंने हालांकि पहले छुट्टी ली थी, लेकिन मैं कभी दोबारा वापस नहीं, तब से हम लोग फ्रीडम एंजॉय करते हैं, किसी को रिपोर्ट करते हैं। जिस दिन हम लोग एनरोल्ड हुए 28 फरवरी 2000, उसी दिन हमने वो अपना सेकेंड ड्रीम पूरा किया, महाराजा गोल्ड कलर की। इसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है कि महाराजा गोल्ड कलर की हमें कैसे मिली, हालांकि वो अवेलेबल नहीं थी और किसी ने बुक करा रखी थी, वो लेने ही नहीं आया, और अल्टीमेटली हम वही गाड़ी लेके 28 फरवरी को शाम को वहाँ से निकले, सीधा मीटिंग में गए, फिर मंदिर में गए और फिर घर में आए, और हमारा फ्लैट लेकर बहुत ही ऑर्डिनरी फ्लैट था 2 BHK, और वहाँ पर आसपास किसी के पास इस तरह की गाड़ी नहीं थी, और बड़ा ही हमें लगता था यार कि बहुत बड़ा सपना पूरा था। उसके बाद बहुत सारे और सपने पूरे किए, 2001 में हाँ गाड़ियाँ बहुत सारी ली, 2001 में पहले हमने कैश टो में बहुत ही सुंदर मोहाली है जिसमें हम करीब 10 साल से जाते हैं, गाड़ियाँ ली बहुत सारी, होंडा सिटी के बाद स्कोडा ऑक्टेविया, उसके बाद XUV500, उसके बाद BMW, इनोवा क्रिस्टा, बहुत सारी गाड़ियाँ ली, और फिर घर का ड्रीम। ये गाड़ियाँ हमारी ड्रीम बुक में नहीं थी, BMW हमारी ड्रीम बुक में नहीं थी, क्योंकि हमारी सोच ही इतनी बड़ी थी। मीटिंग्स में गए, लोगों के साथ जब एसोसिएशन बदल गए, जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो ना, उसी तरह का आपका माइंड सेट हुआ, हमने क्या किया, हम गाड़ी लेके निकल जाते थे बच्चों को साथ में, तुम भाली में कितने सुंदर सुंदर जाते हैं, और फाइनली हमने जीरो डाउन किया एक घर के ऊपर जो हमने उसके सामने करते नहीं, और बड़ा अच्छा लगता था, और हमने उसको फाइनली उसको प्रिंट करा के पावर ऑफ सेम, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे वहाँ पर पैसे, हमें लगता था कि पहले इस कर को सेल करेंगे फिर बाकी के पैसे डालते हैं वो करेंगे, लेकिन बिल्कुल चाहती थी कि नहीं ये घर सेल नहीं करना, यहाँ से सीधा नहीं करना। कमाल हुआ, यूनिवर्स को इंस्पायर करता है जब आपके सपने बड़े होते हैं, जब आपसे मैसेज जाता है, वो घर हमारा बना, और उस घर में हम पिछले मोर देन 10 ईयर्स 10 साल से ज़्यादा हो गए इस नए घर में लोग रहने, जो कि हमारा ड्रीम होम था, जो कि हमारा और पुराना घर भी वहाँ से सीधा मूव करें, पुराने घर को सेल नहीं करना पड़ा, वहाँ से सीधा हम इस घर में मूव करें। उसके बाद में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने खरीदी, फार्म हाउस खरीदा और प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदे, और अगले ड्रीम हमारे थे वर्ल्ड ट्रैवल, वो भी सब खरीदा। इतने कंट्रीज हम लोग घूमे, अमेरिका में 7 बार, कनाडा में ये हमारा 8वां, और बहुत सारे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पेरिस, ये सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब तो भाई ये तो अबू धाबी, ये सब तो बीच में आ ही गए, लेकिन बहुत सारे कंट्री हम लोग बहुत बार
और बहुत ही क्लास जो फैमिली जो आपको ट्रिप देती है बहुत ही मजे होते हैं। हमने उसका खूब एंजॉय किया उनको हमने, और बहुत सारे डायमंड इन्विटेशनल बहुत सारे लिए हमने, बहुत सारे डायमंड इन्विटेशनल वर्ल्ड टूर लिया हमने। लेकिन दो ऐसे ट्रिप हैं जो हमारे दिल के लिए, एक फैमिली ट्रिप जिसमें हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स समुद्र की मदद हम सब लोग थे, और वो एमवे ने एक फैमिली ट्रिप किया फिफ्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे फैमिली ट्रिप किया था, और उसमें हम सब लोग थे, बहुत मज़ा आया उसमें। एक दिन की बात है मेरे फादर कहने लगे कि तुम जाओ बीच पे, मैं नहीं जाऊँगा। हमने कहा चलो रेस्ट करना हुआ इन्होंने, हम लोग बीच पे चले गए और हम काफ़ी टाइम लगा। हमारे फादर और जब वापस आए तो हमने पूछा, हमारे बच्चों ने पूछा, मेरी बेटी पूछने लगी क्या कि आपने पीछे से कहने लगे ये टप मैंने इसका वाटर टेम्परेचर मैंने सेट कर लिया ताकि मेरे को ना गर्म लगे ना ठंडा लगे, और फिर मैंने इसमें थोड़ी बहुत यूज कर दी थी और फिर बबल बात और फिर मेरी बेटी ने पूछा डैडी आपको कैसा लगा, और उनको इंटरव्यू किया है वीडियो, तो मेरे डैडी ने कहा कि आई वॉज फीलिंग एज इफ आई वॉज नॉट हेवन। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे मदर मेरे से पूछते ये सब अंडे वाले, यस मेरे सारे अंडे वाले, तो फिर कहते भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए होती है जिनको ये बिजनेस मिलता है, ब्लेसिंग्स के बिना ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि मेरे कोई ब्रदर सिस्टर अनिल के कोई ब्रदर सिस्टर कोई इस बिजनेस में नहीं है, उनको वो लग रहा था कि उनके ऊपर शायद ब्लेसिंग्स नहीं है तभी नहीं समझ रहा आई इस बिजनेस में। रियली ये बात तो पक्की है, ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, कोई भी काम बंदा जहाँ भी पहुँचता है एक्चुअली लाइफ में, चाहे इस बिजनेस में हो या कहीं भी दूसरी जगह पर भी हो, कुछ ब्लेसिंग्स तो चाहिए तभी इंसान वहाँ पहुँचता है। और इस बिजनेस को आगे करते करते फिर हम एक जब हम डायमंड 2005 तो हमारे अपलाइन कार रेडन में हमें बच्चों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा सेमिनार था जिसमें कार उस टाइम EDC और उनकी EDC की रिकॉग्निशन शिकागो, उन्होंने हमें बुलाया, पहले हमें भेजा और लैंड ऑफिस में हम और हमारे बच्चे हम चारों डिज्नी वर्ल्ड में रहे, और वॉल्ट डिज्नी के पॉलिनेशियन रिजॉर्ट जो वॉल्ट डिज्नी ने अंदर रिजॉर्ट बनाए हुए, बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पर रहने का। और हमारे को कार्ड दिए उन्होंने जिस पर जितनी मर्जी हम राइड जो मर्जी वो सब कुछ पेड फॉर फ्रॉम आवर अपलाइन कार या उनके मीटिंग्स की, और वहाँ से हम फिर गए शिकागो, वहाँ पर उस सेमिनार में गए, कार हमें लेने आए, और हम कार के बेटी वहाँ पे एमी वहाँ पे रहती हैं उनके घर गए। लेकिन हमारे लिए लाइफ जब जब हम एज ए स्पीकर गए हम सीख क्या है पता नहीं, सिखाया तो क्या है लेकिन सीख क्या है, और वो बहुत जरूरी है। और फिर गए न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से फिर हमारे वापस बच्चों के साथ। इसके अलावा एक और हमारा ड्रीम था कि अगर हमें इंटरनेशनल स्पीकिंग असाइनमेंट और अनलिमिटेड इंटरनेशनल स्पीकिंग असाइनमेंट, इतनी हमने स्पीकिंग असाइनमेंट करी इंटरनेशनली, रशिया में तो बहुत बार गए, अभी कोविड से पहले जस्ट कोविड ब्रेकडाउन से 3 दिन पहले हम लोग वियना रशिया से आए एज स्पीकर, हम गए थे और वहाँ पर हम बोल के वापस आए। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे कंट्री में हमने सेमिनार किए, इसमें सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया और बहुत सारे कंट्रीज में हमने जाके सेमिनार किया, और जब भी हम कहीं भी गए तो हमने बहुत कुछ महसूस किया। इस बिजनेस में हमारी टेंजिबल रिवॉर्ड्स तो सबको दिखा, फॉरन ट्रिप्स तो सबको दिखा, गाड़ियाँ दिखाई हैं, कारें, घर, गाड़ियाँ, पैसा, फॉरन ट्रिप्स, इंसान कहीं से भी ले सकता और ये दिखा भी सकता। बेस्ट चीज़ ये उस बिजनेस की मुझे लगती है वो है जो हमारा माइंडसेट चेंज है, नेगेटिव से पॉजिटिव की जर्नी इस बिजनेस में आने के बाद जो हुई है अमेजिंग, माइंडसेट टोटली चेंज हो गया, और हमारा माइंडसेट चेंज हुआ कोई आगे बच्चों में, और बच्चे अपनी लाइफ में अमेजिंगली एक्सेल कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है कभी पॉसिबल ही नहीं था जिस तरह से वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं। अगर हम इस बिजनेस में ना होते तो वो होते, क्योंकि हेल्थ भी हम लोगों की इतनी बढ़िया नहीं थी, मेरी हेल्थ इतनी बढ़िया नहीं थी,
इस बिजनेस में आने के बाद अवेयरनेस हुई, पता लगा कि क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या होती है, फूड सप्लीमेंट्स का क्या रोल है, उनको समझा और लेना शुरू किया। अमेजिंग लाइफ इतनी बढ़िया। और ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज किए, कुछ नहीं पता होता था, एक कोल्ड क्रीम लेते थे सारा परिवार लगा लेता था। इस बिजनेस में आने के बाद पता लगा क्लिंजर टोनर क्या होता है, सीटीएम क्या होता है, यूज किया स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंटी रिंकल्स प्रोडक्ट, स्किन की शक्ल ही बदल गई, शक्ल भी बदल गई, सेहत भी बदल गई, खुशी बदल गई, पॉजिटिविटी आ गई, तो खुशी तो आनी आएगी। जबरदस्त ब्रांड्स यूज करने का मौका मिला, न्यूट्रीलाइट आर्टिस्ट्री और बाकी भी होम केयर पसी के सारे ब्रांड यूज करने का मौका मिला, और उसके साथ मिली छूटी प्राइस माइंड सेट, जैसे बिंदु ने बताया, और बच्चों के ऊपर लाइफ के ऊपर इस बिजनेस का इम्पैक्ट। दीज आर द इनटेंजिबल डिवाइस ऑफ दिस बिजनेस, जो दिखते नहीं है, पता भी नहीं चलता, हम किसी को दिखा भी नहीं सकते और ना ही हमने खुद देखे थे, ये तो इस आने के बाद ही पता लगता। मैं हमेशा कहती हूँ दिस बिजनेस इज लाइक अ थ्री डायमेंशनल पिक्चर, देखो तो बाहर से देखने वाले को रियल पिक्चर इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, वंस यू फोकस और इस बिजनेस में एंटर करते हैं, इसकी रियल पिक्चर देखते हैं, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और बच्चों की जो अपग्रूमिंग हुई है, जो बच्चों ने लाइफ में एक्सेल किया, जो बच्चों ने सीखा इस बिजनेस के थ्रू, जब भी वो बच्चे फ्री होते हैं हम उनको साथ में सेमिनार में लेके जाते हैं, वहाँ से जो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया और जो उन्होंने गोल सेटिंग इस तरह की चीज़ें जो सीखी और लाइफ में अप्लाई किया, माइंड सेट का उनके बारे उनको पता लगा और उन्होंने लाइफ में अप्लाई किया, उसी से सारा चेंज हुआ। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, इसने हमारी लाइफ को टोटली ब्लेस किया। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि दिस बिजनेस हैज बीन द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन माय लाइफ। हम लोग यंग थे, एनर्जेटिक थे और हमने इस बिजनेस के थ्रू पूरी लाइफ क्रिएट किया, और अब हम ग्रैंड पेरेंट्स हो गए हैं और इस लाइफ के रिवॉर्ड्स को पूरी करेंगे। और हमारा एक ही सपना कि जो भी लोग हमारे साथ इस बिजनेस में हैं या जो भी लोग इस बिजनेस में हमारे थ्रू इंस्पायर होके या दूसरे लीडर्स के थ्रू इंस्पायर होके इस बिजनेस में आएंगे, हम सारे लीडर्स मिलकर उनकी मदद करें और उनको इस बिजनेस को सिखाएं, ताकि उन लोगों की सक्सेस में हम लोग कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। और अगर हमारे किसी भी एक्शन से, किसी भी सेमिनार से, किसी भी सीरीज, किसी भी टॉक से लोग इंस्पायर हों और इस बिजनेस में कामयाब हों, तो उससे बड़ी खुशी हमें करेगी। और ये हमारा पैशन है, लोगों को सक्सेस दिलाना, जो इस बिजनेस में होप लेके आए हैं उनकी होप्स को पूरा करना, जो ड्रीम्स लेके आए हैं उनके ड्रीम्स को पूरा करना, क्योंकि हमारे ड्रीम्स पूरे हैं। हैप्पीनेस मिली है, हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, वेल्थ मिल रही है, वेल्थ स्प्रेड करना चाहते हैं, जो भी मिला इस बिजनेस के थ्रू वो हम सब आगे स्प्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि किसी की होप से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम जिनकी होप है उनको पूरा करना। और लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इससे बढ़िया वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ है। जनवाई के लिए सिर्फ एक मैसेज है, यंग, हालांकि ये बिजनेस मोहताज नहीं है किसी चीज़, इस बिजनेस को यंग, ओल्ड, पढ़े लिखे, अनपढ़ सभी कर सकते हैं, लेकिन यंग लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगा। इश्यू